हेलो एवरीवन uh, इस वीडियो में हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव uh, निकालेंगे और uh, कुछ हमारे बेसिक uh, जैसे हमारे पास तीन हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं साइन एच एक्स कॉस एच एक्स एंड टेन एच एक्स मैं इन तीन फंक्शंस uh, का आपको डेरिवेटिव निकाल के दूंगा और जितने भी हैं उसका मैं बस आपको रिजल्ट बता दूँगा और आप वो आपको खुद निकालने होंगे और <coughs> ठीक है तो सबसे पहले हम ये ध्यान में लाते हैं अपने कि जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं वो किस तरह से कि, किसके टर्म में हमें दिए गए हैं जैसे साइन एच एक्स है साइन एच एक्स ये क्या है ये इसको हम लिखते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ पर आपको जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं वो किस टर्म में दिए हुए हैं आपको एक्सपोनेंशियल ठीक है एक्सपोनेंशियल के टर्म में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के तो इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान है इसमें कोई ज़्यादा आपको मैथ यूज़ नहीं करनी है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशियट करना पड़ेगा अब इस साइड को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको लिखता हूँ ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय टू एंड माइनस में ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको पता है ये वन बाय टू हो जाएगा और ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेम रहेगा ए टू द पावर एक्स यहाँ पर नेगेटिव साइन अगेन हाफ इधर लिखेंगे और ई टू द पावर माइनस एक्स सेम रहेगा कोई चेंज नहीं बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा माइनस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसको ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा माइनस वन तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आता है वो आता है e टू द पावर एक्स प्लस ई टू दावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू व्हिच इज इक्वल टू कॉस एच एक्स ये कॉस एच एक्स के इक्वल है तो पहला डेरिवेटिव आ गया हमारे पास अब बात करते हैं हम कॉस एच एक्स के डेरिवेटिव की। x is given by e पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय टू अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके लिए वन बाय टू हम कांस्टेंट uh, है इसे डिफ्रेंशिएशन से बाहर लिखेंगे ये डीवाई बाय डी एक्स ईक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अब ई टू द पावर ई एक्स को आप uh, e टू द पावर एक्स को आप uh, जब डिफरेंशियट करेंगे तो आपको सेम फंक्शन मिलेगा ई एक्स अगेन यहां पर भी आपको क्या मिलेगा ई टू द पावर माइनस एक्स मिलेगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बट चेन रूल के अकॉर्डिंग यहां पर माइनस uh, एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो उससे आपको मिलेगा माइनस वन अब इससे क्या होता है ये होता है ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू किसके इक्वल आता है ये ये है आपका साइन एच एक्स तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एच एक्स इज इक्वल टू साइन एच एक्स अब सबसे पहला आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख गया होगा कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे थे अब ध्यान देना है आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है ये हाइपरबोलिक फंक्शन तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे थे तब जब आप कॉस को डिफ्रेंशिएट करते थे तो आपको क्या मिल रहा था माइनस साइन एक्स मिल रहा था बट इस केस में यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यहां पर आपको पॉजिटिव साइन ही मिल रहा है आप अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक वीडियो देख सकते हैं मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन पर एक वीडियो बना रखी है अब बारी आती है टेन एच एक्स की अब टेन एच एक्स सबसे पहले देखते हैं कि उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे आपको पता है टेन एच एक्स को आप क्या लिख सकते हैं साइन एच एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एच एक्स ये किसके इक्वल होगा ए टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स अब हमें इसी को डिफ्रेंशिएट करना है जिसमें कि हम डिफ्रेंशिएशन निकालना चाह डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं एच एक्स का तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल का यूज करेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर करेंगे देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ये एज इट इज हम इसको यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियट करेंगे जो न्यूमिनेटर में टर्म है उसको उसका डिफरेंशियशन आएगा e टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स नेगेटिव साइन देन अब डिनोमिनेटर को हमें डिफरेंशिएट करना है इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे e टू द पावर माइनस e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस क्या आएगा e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा ठीक है आ, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अब ये देख रहे हो ये दोनों टर्म जो हैं सेम है बिल्कुल तो इनका स्क्वायर हो जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड माइनस में एक्स माइनस का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय तो ये यहां पर टर्म वन हो जाएगी ठीक है आ, क्या करेंगे इन दोनों को हम किससे डिवाइड करेंगे इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो उससे ये हो जाएगा वन क्योंकि ये दोनों सेम है माइनस uh, में हमारे पास यहाँ आएगा ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स इसके होल का स्क्वायर हो जाएगा अब ये ध्यान देना है आपको ये क्या है वन माइनस में ये पूरी टर्म क्या है यहाँ पर किसके इक्वल है टेन एच एक्स के इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर सॉरी टेन एच स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होता है हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग ये सेक एच स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा uh, तो यहाँ हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ टेन एच एक्स इज इक्वल टू सेक एच स्क्वायर एक्स ठीक है कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा था उसमें भी कुछ इसी तरह का हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स आ रहा था वहां पे ठीक है ये क्लियर हो गया तो इसी तरह से आप आप क्या क्या बचता है कॉस एच एक्स का एंड कोसेक एच एक्स का भी के जो जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये इनका डेरिवेटिव आप निकाल के देखें तो जब आप ये निकालेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ कोस एक्स का कोस एक्स का तो हमने निकाल ही लिया है ना हाँ कॉट एक् एच एक्स बच गया था और सी आ, सेक एच एक्स बच गया था हाँ फिर भी कॉस एच एक्स का हमारे पास क्या आया था साइन एच एक्स कोट एच एक्स का आएगा आपके पास माइनस ऑफ कोसैक एच स्क्वायर एक्स जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हमने देखा था कुछ ऐसा ही सिमिलर टर्म था बस वहाँ पर एच नहीं था और कोशेक एच एच का करेंगे तब आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ कोशक एच एक्स कोट एच एक्स ये भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसा ही सिमिलर आ रहा है रिजल्ट सिकेंड एच एक्स का यहाँ पर यह आएगा नेगेटिव ऑफ सीकेंट एच एक्स टेन एक्स ध्यान देना है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रहे थे तो अगर सीकेंट एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आपके पास क्या आता था सेक एक्स टेन एक्स यहाँ पर कुछ डिफरेंट है यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर ऑब्वियसली हाइपरबोलिक फंक्शन है सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये इन सब के डेरिवेटिव हैं अब ये सब हमारे पास आ गए हैं तो अब उसके एग्ज़ाम्पल्स करते हैं और बट ये आप खुद डिराइव करना ज़रूर करना बहुत ज़रूरी है इसको समझना अब एग्ज़ाम्पल्स करते हैं इसके तो पहला एग्ज़ाम्पल ये है आ, हमें फ़ंक्शन दिया गया है एक हाइपरबोलिक फंक्शन है हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम यूज़ करेंगे अपनी जो भी हमने निकाला था डेरीवेटिव तो टेन एच एक्स का डरीवेटिव क्या होता है टेन एच एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक एच स्क्वायर एक्स ठीक है अब उसी का हम यहां पर यूज करेंगे बट उससे पहले आ, मैं आपको बता दूं यहां पर कि यहां पर हम चेन रूल का यूज करने वाले हैं तो y इज इक्वल टू टेन एच सॉरी यहाँ पर मैंने x लिख दिया कितनी बड़ी मिस्टेक है ये टेन एच वन माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे t लिखेंगे इसका मतलब कि आपका टी किसका इक्वल है वन माइनस एक्स स्क्वायर तो चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग डीवाई बाई डी टी और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डी टी बाय डी एक्स ऐसा करने पर आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो करते हैं वो तो पहली टर्म जो है डीवाई बाई डी टी डी बाई डी टी यहां पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर टी एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि होगा माइनस टू एक्स अब टी के जगह पर हमारी जो वैल्यू uh, है वो पुट कर देते हैं सेकेच स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव ऑफ टू एक्स ठीक है तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ये तो एक एग्जांपल हमारा हो गया एक और एग्जांपल देखते हैं इस एग्जांपल में हमें कहा गया है डिफरेंशिएट कॉस एच रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अगर ये वाई ये है तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा अगेन यहाँ पर चेन रूल का यूज होगा तो अगर मैं रूट एक्स को यू के इक्वल लिखता हूँ, तो यह आएगा डी वाई बाय डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी एक्स तो डी वाई बाय डी यू यहाँ पर कॉस एच एक्स आपको पता है क्या होगा सॉरी यहाँ पर कॉस एच यू क्योंकि हमने बेड रूट एक्स को यू माना है तो ये होगा आपका साइन एच यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी एक्स तो यू को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा वन डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम साइन एच रूट एक्स क्लियर है तो ये होगा इसका डिफ्रेंसिएशन एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है फाइंड द स्लॉप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कैटनरी वाई इज इक्वल टू यह हमें फंक्शन दिया गया है वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टेन कॉस एच एक्स डिवाइडेड बाय टेन हमें एट एक्स इज इक्वल टू फाइव एट एक्स इज इक्वल टू फाइव हमें इस लाइन पर एक uh, टेंजेंट लाइन का स्लॉप निकालना है ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन दिया हुआ है स्लॉप निकालना है तो आपको पता है क्या करना है इसको डिफरेंशियट करना होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे हम पहले इसे तो डिफ्रेंशिएट करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी आपको आ, पहले से टेन तो कांस्टेंट तो है इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा साइन एच एक्स बाय टेन एंड देन हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वन बाय टेन तो ये टेन तो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बचता है साइन एच एक्स बाय टेन बट आपको क्या करना था एट एक्स इज इक्वल टू फाइव आपको एक टेंजेंट लाइन है जो एक्स इज इक्वल टू फाइव पर उसका स्लॉप पता करना है जो कि हम डेरिवेटिव से पता करते हैं डेरिवेटिव तो हमने कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसे अब क्या करेंगे हम एक्स के जगह पर वाई पुट करेंगे सॉरी yeah, फाइव dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू साइन एच फाइव बाय टेन अब आप इसको किसके को लिख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास साइन एच वन बाय टू यहाँ पर आप ई भी लिख सकते हो यहाँ पर जैसे सॉरी ये एक्स है ना आपका यहाँ पर जैसे साइन एच एक्स है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर वन बाय टू आ जाता है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं प्रबोलिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में ई टू द पावर वन बाय टू माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाय टू डिवाइडेड बाय टू तो ये होगा उस टेंजेंट लाइन का स्लॉप